अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप लोग खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में आपको मैं बताने वाला हूं कि आप इटली का टूरिस्ट वीजा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूं, चाहे वो अपॉइंटमेंट आपको कैसे लेना है, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट क्या है, उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आप फॉर्म कैसे फिल कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा अपने लैपटॉप के स्क्रीन में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए, एलिजिबिलिटी होने के लिए आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए लास्ट 6 मंथ तक, तो आप एलिजिबल हैं। तो अब चलिए आपको दिखाता हूँ कैसे आप अप्लाई कीजिएगा। देखिए, हम लोग आ गए अपने लैपटॉप के स्क्रीन में। सबसे पहले हम लोग जाएंगे क्रोम में। क्रोम में जाने के बाद यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे VFS। देखिए आ गया वेलकम टू VFS, ये इंटरफेस आ गया VFS ग्लोबल का। अब यहाँ पे बता रहा है आई एम अप्लाइंग फ्रॉम, आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी कंट्री से कर रहे हैं उस कंट्री का नाम लिखिए। यहाँ लिखिए मैं इंडिया से कर रहा हूँ तो इंडिया लिखूंगा। मुझे जाना कहाँ है, इटली, तो यहाँ मैं इटली टाइप करूँगा। आ गया इटली। अब यहाँ पे देखिए टेक मी टू द वेबसाइट लिखा हुआ है ना, इसमें क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन बतला रहा है, अप्लाई फॉर अ वीज़ा, बुक एन अपॉइंटमेंट, फाइंड अ सेंटर, वीज़ा एट योर डोर स्टेप। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ऊपर क्या बोल रहा है नोटिफिकेशन में, इटली वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर इन अहमदाबाद इज रिलोकेटिंग इन न्यू एड्रेस। जो अहमदाबाद वाले हैं यहाँ पे क्लिक करके पता कर सकते हैं कि जो नया वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पर रिलोकेट हो रहा है। तो हम लोग अब सिंपली जाएंगे अप्लाई फॉर अ वीज़ा में, स्टार्ट नाउ में क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप गाइड बता रहा है, आइडेंटिफाई वीज़ा टाइप, बिगिनर एप्लीकेशन, बुक एन अपॉइंटमेंट, पे योर फीस, विजिट अ वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, ट्रैक योर एप्लीकेशन, कलेक्ट पासपोर्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, आइडेंटिफाई वीज़ा टाइप में व्यू मोर में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सब बता दे रहा है, एप्लीकेशन फ्रॉम रेसिडेंट, देखिए हम मैं कोलकाता से हूँ तो कोलकाता, यहाँ पे कोलकाता वाला क्लिक करूँगा। जो दिल्ली के हैं, मुंबई के हैं, जहाँ के हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्सुलेट ऑफ इटली इन कोलकाता में सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे बोल रहा है वीज़ा टाइप, तो आपको किस तरीके का वीज़ा चाहिए। देखिए यहाँ पे इतना सारा वीज़ा है, तो मुझे टूरिस्ट वीज़ा चाहिए, शॉर्ट टर्म वीज़ा टूरिस्ट। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ओवरव्यू, वीज़ा फीस बता दे रहा है, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, फोटो स्पेसिफिकेशन और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। मैं आपको बताऊँगा डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड है, वीज़ा फीस क्या है, सब कुछ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आ गया PDF फॉर्म में, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे देखिए हम लोग आ गए हैं इटली के वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में। सबसे पहले हम लोग क्या करना है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगाना है, यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड और मैट फिनिश होना चाहिए। फिर नीचे आएंगे थोड़ा, देखिए यहाँ पे सर नेम बोल रहा है। अब आपको क्या करना है, पासपोर्ट अपने पास रखना है और जो जो पासपोर्ट में डिटेल है ना वो आपको फिल करना है। सबसे पहले सर नेम, तो सर नेम जो है वो दे दीजिएगा। और फिर बोल रहा है सर नेम एट बर्थ, बेसिकली ये होता है मैरिड वुमेन के लिए। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो जो आपका सर नेम है आप वो यहाँ पे दे दीजिएगा। फिर यहाँ पे बोला है गिवन नेम या फर्स्ट नेम जो आपके पासपोर्ट में, वो यहाँ फिल कर दीजिएगा। फिर यहाँ बोला है डेट ऑफ बर्थ, कैसे आपको फिल करना है, पहले डे, फिर मंथ, फिर ईयर। फिर यहाँ बोला है प्लेस ऑफ बर्थ, आप कहाँ पैदा हुए हैं, तो आपको बताना होगा जिस भी सिटी में हुए हैं आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। फिर यहाँ बोला है कंट्री ऑफ बर्थ, आप कहाँ पैदा हुए हैं, किस कंट्री में हुए हैं, तो उसको उस कंट्री का नाम आपको लिखना होगा। फिर आपसे पूछ रहा है करंट नेशनैलिटी, आपका नेशनैलिटी क्या है, वो आप यहाँ पे दे दीजिएगा। फॉर एग्जांपल मेरा इंडियन है तो मैं इंडियन दे दूंगा। फिर नेशनैलिटी एट बर्थ इफ डिफरेंट, अगर कोई डिफरेंट है तो वो आप दे दीजिएगा। फिर आपके पास कोई और अदर नेशनैलिटीज़ है तो उसका आपको नाम लिखना होगा यहाँ पे। फिर नीचे आएंगे, यहाँ बोला है जेंडर, आपका सेक्स क्या है, मेल या फीमेल, आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ बोला है सिविल स्टेटस, आपका क्या है, सिंगल है, मैरिड है, जो भी आप है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ बोला है 10 नंबर में पैरेंटल स्टेट अथॉरिटी, मीन्स ये माइनर्स के लिए है। बेसिकली माइनर्स वाले को अपना मीन्स अपने पेरेंट्स का सर नेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस और फिर टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस और नेशनलिटी सब बताना होगा। फिर यहाँ बोला है नेशनल आइडेंटिटी नंबर, अगर आपके पास है तो आप दीजिए। बेसिकली ये होता है आधार कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे देना होता है। फिर यहाँ बोल रहा है टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट,
आपका किस तरीके का पासपोर्ट है, ऑर्डिनरी पासपोर्ट है, डिप्लोमेटिक है, सर्विस है, ऑफिशियल है, जैसा आपका पासपोर्ट है आप उसको टिक कर लीजिएगा। बेसिकली सबको ऑर्डिनरी होता है तो ऑर्डिनरी में टिक कीजिएगा। उसके बाद आपको अपने पासपोर्ट का नंबर यहाँ पे देना है, फिर डेट ऑफ इशू, कब आपका पासपोर्ट इशू हुआ है वो आपको बताना है, फिर वैलिड कब तक है आपका पासपोर्ट वो यहाँ पे आपको बताना है, फिर किस कंट्री में इशू हुआ है उस कंट्री का नाम आपको यहाँ बताना है। फिर यहाँ देखिए 17 नंबर में बोल रहा है पर्सनल डेटा ऑफ फैमिली मेंबर हु इज एन ईयू, मतलब अगर आपका कोई मेंबर है ईयू में या फिर लंदन में या फिर कोई भी कंट्री में, कनाडा हो गया, तो आप यहाँ बता सकते हैं उसका डिटेल, अगर नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। फिर 18 नंबर में आएंगे बोल रहा है फैमिली रिलेशनशिप विद ईयू ईए या फिर कनाडा या फिर यूएसए कहीं पर भी अगर है आपका कोई रिलेशन तो आप बता सकते हैं, स्पाउस चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड, डिपेंडेंट, अगर नहीं है कोई तो छोड़ दीजिए, इफ एप्लीकेबल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर नीचे आएंगे हम 19 में, फिर यहाँ बोल रहा है एप्लीकेंट होम एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस, यहाँ पे आपको अपना घर का एड्रेस और ईमेल एड्रेस देना होगा और अपना टेलीफोन नंबर देना होगा। फिर 20 में बोल रहा है रेसिडेंस इन अ कंट्री अदर देन कंट्री ऑफ फॉरन नेशनैलिटी, मीन्स आप कहीं काम कर रहे हैं अगर कोई कंट्री में जा करके तो आपको बताना होगा यस करके कि आप कहाँ काम कर रहे हैं, वैलिड कब तक है आपका पास, मीन्स वीज़ा, सब कुछ आपको बताना होगा। अगर नहीं, आप कहीं नहीं काम कर रहे हैं आप अपने होम कंट्री में, तो सिंपली नो कर दीजिएगा। देखिए 21 में बोला है करंट ऑक्यूपेशन, अगर आप एम्प्लॉयड हैं, बिजनेस करते हैं, आपको यहाँ पे बताना होगा, ठीक है। अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो यहाँ पे आपको एम्प्लॉयर का एड्रेस, मीन्स जो कंपनी है उसका नाम, उसका एड्रेस, टेलीफोन नंबर आपको बताना होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको एड्रेस बताना होगा अपने कॉलेज का या फिर स्कूल का, और टेलीफोन नंबर देना होगा उनका। और नीचे आएंगे थोड़ा, यहाँ बोला है पर्पस ऑफ योर जर्नी, आप क्यों जाना चाहते हैं इटली, तो यहाँ आप टूरिज्म में सेलेक्ट कर लीजिएगा अगर आप घूमने जाते हैं, मतलब ठीक है। 23 में फिर बोला है पर्पस ऑफ योर जर्नी, आप क्यों जाना चाहते हैं इटली, यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है टूरिज्म, बिजनेस, ठीक है, विजिटिंग फैमिली एंड फ्रेंड, कल्चर, स्पोर्ट, मेरा टूरिज्म है तो मैं टूरिज्म टिक कर लूँगा। फिर देखिए 24 में बोला है एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑन पर्पस ऑफ स्टे, आप मीन्स वही यहाँ पर भी आप टूरिज्म ही लिखिएगा और कुछ नहीं करना है आपको 24 में। देखिए 25 में बोल रहा है मेंबर स्टेट ऑफ मेन डेस्टिनेशन, यहाँ पे भी बोल रहा है इफ एप्लीकेबल, अगर आप बताना चाहते तो बताइए वरना कोई बात नहीं, यहाँ पर आप इटली लिखिएगा। मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री, यहाँ पर भी आप इटली लिखिएगा, ठीक है, कुछ नहीं करना है। फिर बोला है नंबर ऑफ एंट्रीज रिक्वायर्ड, आपको कैसा एंट्री चाहिए, मीन्स सिंगल एंट्री चाहिए, टू एंट्रीज चाहिए, फिर मल्टीपल एंट्रीज चाहिए, यहाँ पे आप सिंगल एंट्री कीजिएगा टिक। फिर उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ बोल रहा है आप कब जाना चाहते हैं, डेट ऑफ अराइवल, ठीक है, अब फिर आपको अपना डेट ऑफ अराइवल बताना है, आप जब भी जाना चाहते हैं, फिर आप कब डिपार्चर होइएगा वो भी डेट आपको यहाँ पे बताना है, दोनों बताना है, आप कब जाना चाहते हैं और कब आप मीन्स डिपार्चर कीजिएगा, मीन्स कब वहाँ से आप वापस आइएगा। फिर 28 में देखिए बोल रहा है फिंगरप्रिंट कलेक्टेड प्रीवियसली, क्या आपका फिंगरप्रिंट कभी लिया गया है, आप कभी शेंगेन वीज़ा के लिए अप्लाई किए हैं पहले, अगर किए हैं, अगर आप फिंगरप्रिंट जाके दे कर आए हैं तो यस करके आपको बताना होगा, डेट बताना होगा, अगर आप नहीं लिए हैं आपका फर्स्ट टाइम मतलब सिंपली नो कीजिएगा। फिर देखिए 29 बोल रहा है एंट्री परमिट फॉर फाइनल कंट्री एंड डेस्टिनेशन वेयर एप्लीकेबल, ये आपको ज़रूरत नहीं है, छोड़ दीजिए, आपको जहाँ वेयर एप्लीकेबल लिखा हुआ है ना उसको कोई ज़रूरत नहीं होता फिल करने का। फिर यहाँ बोल रहा है सर नेम एंड फर्स्ट नेम ऑफ इनवाइटिंग पर्सन, अगर आप होटल बुक करके जा रहे हैं ना तो आपको यहाँ अपना होटल का नाम देना होगा, या आपको कोई इनवाइट कर रहा है, आपका दोस्त है, तो उसको आपको नाम बताना होगा, फिर उसका एड्रेस बताना होगा, ईमेल एड्रेस बताना होगा और टेलीफोन नंबर बताना होगा। वैसे ही यहाँ पे अगर आप होटल जा रहे हैं तो आपको होटल का नाम बताना होगा, एड्रेस बताना होगा, ईमेल एड्रेस बताना होगा, फिर उसका टेलीफोन नंबर बताना होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाइए नेम एंड एड्रेस ऑफ इनवाइटिंग पर्सन और कंपनी, अगर आप कोई कंपनी के थ्रू जा रहे हैं तो उसका आपको नाम एड्रेस वैसे बताना होगा, अगर आप ये होटल वाला दे दिए तो ये फिर ज़रूरत नहीं है आपको देने का, ठीक है। फिर थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ बोल रहा है कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग एंड लिविंग ड्यूरिंग एप्लीकेशन स्टे इज कवर्ड, अब यहाँ बोल रहा है जब आप जा रहे हैं तो आपका कॉस्ट जो आप जो खर्च कीजिएगा वो कौन करेगा,
आप खुद से कीजिएगा तो यहाँ पे बाय द एप्लीकेंट हिमसेल्फ एंड हरसेल्फ में टिक कीजिएगा। अगर आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो यहाँ पे बाय स्पॉन्सर में टिक कीजिएगा। तो मैं खुद से जा रहा हूँ, मैं खुद कर अपना खर्चा उठाऊंगा, तो बाय द एप्लीकेंट हिमसेल्फ हरसेल्फ में क्लिक करके यहाँ पे आप बता दीजिएगा मीन ऑफ सपोर्ट, आप क्या क्या लेके जा रहे हैं, कैश, फिर आप क्रेडिट कार्ड में टिक कर लीजिएगा, प्रीपेड अकोमोडेशन मीन्स जो हम लोग पहले से होटल बुक कर लेते हैं वो, फिर अदर्स में आप टिक करके ना यहाँ पे डेबिट कार्ड और ट्रैवल इंश्योरेंस लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर नीचे आएंगे हम लोग, फिर आप यहाँ पे प्लेस एंड डेट, जहाँ से आप फॉर्म फिल किए हैं ना, जिस भी कंट्री में या फिर स्टेट में बैठ करके, उसका उसका नाम लिखिएगा उस कंट्री का या स्टेट का, उस पर डेट बता दीजिएगा, फिर आप यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा। बस ऐसे ही है इटली का फॉर्म आपको फिल करना। अब मैं आपको बताऊंगा डॉक्यूमेंट जो है क्या क्या रिक्वायर्ड है इसमें, ठीक है। आ जाएंगे हम लोग मेन पेज में फिर, ठीक है। स्टार्ट नाउ में जाइएगा, फिर हम लोग जाएंगे आइडेंटिटी वीजा टाइप में, फिर आप नीचे आइएगा कोलकाता वाला में जाइएगा, फिर यहाँ पे हम लोग फिर यहाँ पे टूरिस्ट में टिक करेंगे, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है ना, यहाँ पे आप यहाँ पे जा करके देख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप रिक्वेस्टी डॉक्यूमेंट फॉर टूरिस्ट वीजा में आप क्लिक कर दीजिए, देखिए ये आ गया टूरिस्ट वीजा एप्लीकेशन का चेकलिस्ट, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट चाहिए, ठीक है। आपको बस टिक करना है जो जो आपके पास है, पासपोर्ट है, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिल किए वो है, कवर लेटर, कवर लेटर बहुत ईजी मैं बताया हूँ आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बहुत ईजी वे में आप 2 मिनट के अंदर में कवर लेटर बना लीजिएगा, ठीक है। सब ये सब जो आपके पास है वो आपको टिक करना है, ठीक है। फिर नीचे आएंगे, बस आपको बस टिक करना है इसमें, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि अब आप कैसे इटली का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, ठीक है। व्यू मोर में जाइएगा, बुक एन अपॉइंटमेंट, और जो ये हम लोग फॉर्म फिल किया है ना अभी जो आपको मैं बताया हूँ, उसको आप प्रिंट करा लीजिएगा डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट को, ठीक है। अब हम लोग यहाँ आएंगे बुक एन अपॉइंटमेंट में, यहाँ बुक एन अपॉइंटमेंट में क्लिक कीजिएगा, नीचे आएंगे बुक नाउ में। अब आप अगर न्यू है यहाँ तो आपको अपना अकाउंट बनाना होगा यहाँ पे, आई डोंट हैव एन अकाउंट में क्लिक कीजिएगा, ये देखिए क्रिएट एन अकाउंट आ गया। आपको अपना ईमेल एड्रेस पासवर्ड कंफर्म करना होगा, पासवर्ड में मोबाइल नंबर देना होगा, आई एग्री करके रजिस्टर करना होगा। ये देखिए हमने रजिस्टर कर लिया, लॉगिन हो गए, यहाँ देखिए स्टार्ट न्यू बुकिंग में क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए बता रहा है 11 सेंटर है, ठीक है। अगर आपका स्टेट यहाँ सिटी अगर नहीं है, ठीक है, तो आपको अपने करीबी सिटी में आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ जाके आप अपॉइंटमेंट दे सकते हैं। मेरा कोलकाता है तो मैं देखिए यहाँ पर है तो मैं कोलकाता सेलेक्ट कर लूँगा। फिर देखिए यहाँ पे बोल रहा है चूज योर अपॉइंटमेंट कैटेगरी, मेरा किस तरीके का है, शॉर्ट टर्म का भी तो शॉर्ट टर्म में सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ बोल रहा है चूज योर सब कैटेगरी, मेरा किस तरीके का वीज़ा है, टूरिस्ट है तो टूरिस्ट में क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं स्लॉट बता दे रहा है 21 तारीख को 25 तारीख का कंटिन्यू करेंगे। फिर आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम देना है, जो आपके पासपोर्ट में डिटेल है ना वो यहाँ पे आपको फिल करना है, अपना फर्स्ट नेम देना है, लास्ट नेम देना है, जेंडर सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ बताना है आपको अपना, ठीक है, जो आपके पासपोर्ट, बस वही सब आपको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। मैं इससे भी आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ, करंट नेशनैलिटी आपका क्या है, इंडियन है तो इंडिया यहाँ टाइप कर, इंडिया आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, पासपोर्ट नंबर अपना दे दीजिएगा जो भी है, फिर एक्सपायर कब हो रहा है वो आप दे दीजिएगा, सब आपको आपके पासपोर्ट में मिल जाएगा। मैं इससे भी आपको यहाँ सब एग्जाम्पल के तौर पर दिखा दे रहा हूँ। फिर कॉन्टैक्ट नंबर आपको अपना देना होगा, फिर अपना ईमेल एड्रेस यहाँ दे दीजिएगा, फिर आपका जो मेन एड्रेस है घर का वो दे दीजिएगा, सब आपके आपको पासपोर्ट में मिल जाएगा। फिर अपने स्टेट का नाम यहाँ दीजिएगा, सिटी का नाम दीजिएगा जिस भी सिटी से कर रहे हैं, फिर उस सिटी का पोस्टल कोड यहाँ पे दीजिएगा, सब तो इजी आप समझ गए। मैं आपको फिर भी एग्जांपल के तौर पे दिखा दे रहा हूँ, फिर यहाँ पे आप सेव कर दीजिएगा। देखिए यहाँ आपका बन जाएगा, आप यहाँ बोल रहे आप एड अनदर भी कर सकते हैं, नहीं अगर आप सिंगल हैं तो कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका टोटल अमाउंट बता दे रहा है 500 कुछ रुपये लगेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आप
जनरेट ओटीपी कर दीजिए, जो आप फोन नंबर दिए हैं ना उसमें आपको ओटीपी आ जाएगा, ठीक है। ओटीपी यहाँ आप फिल कर दीजिएगा, वन टाइम ओटीपी रहता है। आपको क्या करना है, वेरीफाई कर दीजिएगा, फिर कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए यहाँ पे ग्रीन वाला अवेलेबल है, ब्लैक वाला अनअवेलेबल है, तो जो ग्रीन ग्रीन वाला है ना उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल 25 को सेलेक्ट कर लीजिए डेट। फिर नीचे आएंगे, देखिए आपको यहाँ टाइम बता दे रहा है कौन सा टाइम में आप कंफर्टेबल है, आपको सेलेक्ट करके सेलेक्ट कीजिए, फिर कंटिन्यू कर दीजिए। फिर अगर आपको सर्विस चाहिए यहाँ पे, ठीक है, आप वो ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे कोरियर पासपोर्ट कलेक्शन, अगर आपको और स्टेट में रहता है जैसे मैं आपको पहले बताया हूँ, तो आप यहाँ पे कोरियर करवा सकते हैं, 670 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा आपका, ठीक है, वो आप ऐड कर सकते हैं, तो कर लीजिएगा अगर आपको और स्टेट में रहता है तो। फिर कंटिन्यू कीजिएगा। फिर यहाँ पे बोल रहा है ट्रैवल असिस्टेंट विथ इंश्योरेंस, ठीक है, ये इंश्योरेंस वाला बात होगी, अगर आपको चाहिए तो एग्री करके कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है सब। यहाँ पे आपको फिर बोला है रिव्यू कर लीजिए, देख लीजिए यहाँ पे, फिर आई एक्सेप्ट एस करके पे ऑनलाइन कीजिए। बस ऐसे ही आप करना है, हो गया कंप्लीट। देखिए ये आ गया, कैसे आपको पे करना है वो पे कर सकते हैं, सेलेक्ट कौन सा कार्ड है आपका वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, कार्ड डेबिट है या जो है, ठीक है। फिर ये आपके ऊपर है आपको कैसे पे करना है। इतने दूर आप आए हैं या फॉर्म फिल कर दिए होंगे, ये आप जान गए होंगे आपको कैसे अप्लाई करना है इटली का टूरिस्ट वीजा। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है डॉक्यूमेंट क्या लगने वाला है आपको। देखिए जो सबसे पहला होता है वो है फॉर्म जो हमने फिल किए हैं, उसको प्रिंट आउट करा के साइन करके अपने पास रखिएगा। उसके बाद आपको लगेगा आपका पासपोर्ट जिसकी वैलिडिटी लास्ट 6 मंथ तक होनी चाहिए। उसके बाद आपको लगेगा पासपोर्ट साइज फोटो 2, वो भी वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और मैट फिनिश में। उसके बाद आपको लगेगा ट्रैवल इंश्योरेंस 30,000 यूरो का। उसके बाद आपको लगेगा बैंक स्टेटमेंट, लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट आपको दिखाना होगा। उसके बाद आपको लगने वाला है कवर लेटर और आइटिनरी। अगर आपको नहीं आता है बनाने, मैं कंप्लीट डिटेल में इसके ऊपर वीडियो बनाया हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, आपका वीज़ा लगेगा कि नहीं लगेगा कवर लेटर डिसाइड करता है। अगर आपको नहीं आता है ना, 2 मिनट में आप बना लीजिएगा, अगर आप वो वीडियो देखिएगा तो बहुत ईजी और बहुत सिंपल वे में आपको बताया हूँ। उसके बाद आपको लगेगा रिटर्न टिकट, उसके बाद आपको लगेगा होटल बुकिंग, उसके बाद आपको लगेगा आपका आइडेंटिटी प्रूफ लाइक आधार कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट, जो भी आपका प्रूफ है वो लगेगा। उसके बाद आपको लगेगा ITR, अगर आपका बिजनेस है तो 3 साल का आपको ITR दिखाना होगा। उसके बाद आपको लगेगा पे स्लिप, अगर आप कोई फॉर्म में काम करते तो 3 मंथ का पे स्लिप लगेगा। तो ये था डॉक्यूमेंट जो आपको लगने वाला है। अब हम बात करेंगे फीस कितना है इटली के टूरिस्ट वीजा का। देखिए अडल्ट के लिए है 90 यूरो, और जो 6 से 12 साल के लिए हैं उनके 45 यूरो, और जो 6 साल से नीचे हैं उनका फ्री है। तो ये था कंप्लीट डिटेल इटली के टूरिस्ट वीजा पे। होप आप सबको पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।